बस भाई का साथ दो, हमें इस जंग को इसी महाज से जीतना है। इस तरह का महाज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, वैसे जहां दोनों तरफ एक ही शख्सियत है, एक तरफ तुम खुद हो और दूसरी तरफ तुम्हारा अक्स। फजूल बातें मत करो, जहेज में तुम्हारे साथ किताबें नहीं जाएंगी, घर के काम काज किया करो, सिलाई कढ़ाई किया करो। अपने भाई को बता देना इतवार के रोज हम मिसेस बासित के यहाँ उसका रिश्ता लेकर जा रहे हैं। सुना तुमने? मामा भाई अमेरिका चले गए। दिमाग खराब हो गया आजकल के लोगों का। निकाले से आप बेटे के लिए चांद जैसी बहू चाहिए। अभी क्या हो गया है? सिर्फ रंग ही तो गहरा है। ठीक गहरा है? अंधी हो गई हो क्या? काला सया लड़का तुम कह रही हो गहरा है? अच्छा खासा है। अब अब्बा की आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? जान के अब्बा से कह दो मुझे शादी नहीं कर दी, ना कर दे मेरी तरफ से। अभी वो कह दिया ना जो जा। बिल्कुल ठीक है, अब इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। बेटेगा तुम जितनी जल्दी तलाक की शादी करोगी उतनी जल्दी वो वापस आ जाएगा। इस घर की रौनक वापस आ जाएगी यार, इस घर में खुशियां होंगी और तुम्हारे घर की पहली पहली खुशी है, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करनी है जुबैदा बेगम। ये तुम मुझे जुबैदा बेगम कहने से बाज नहीं आओगे? अब खाली बेगम तो तुम्हें कह नहीं सके, मतलब घर में ही जुबैदा बेगम कहते हैं, ऑफिस में थोड़े ही कहते हैं। आयान तुम यकीन नहीं करोगे, आज सिर्फ भाई ही नहीं मैं भी बहुत खुश हूँ। ये रिश्ता हो गया ना तो समझो हमारे रिश्ते के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लीजा आ जाओ। अच्छा सुनो मैं आने के बाद तुम्हें फोन करती हूँ। ओके ओके बाय। आ जाओ बेटा। लीजा आए मामा। अरे वाह कितनी अच्छी लग रही है मेरी बेटी। यू टू। थैंक यू। आओ चलो 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 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। लेकिन इसमें बुराई क्या है भाई? अच्छे लोग हैं, लड़का अच्छा है। नहीं अब्बा, उन्हें अच्छे और खूबसूरत लड़के से शादी करनी। I mean, गोरा चट्टा। जैसे अफसानवी और रोमानी नॉवेल्स में हीरोज नहीं होते, बिल्कुल उसी तरह। और वैसे भी जो किताबें आप देते हैं। क्या हुआ उन किताबों को बताओ? वो उसके बजाय रोमानी नॉवेल पढ़ती है। सुन लिया, देख लिया अपने लाड प्यार का नतीजा। अब जाइए आसमान से शहजादा लेकर आइए अपनी लाडली के लिए। छवि बाबा नाराज क्यों हो रही हो तुम? भाई जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं, उसका जोड़ भी आसमान पर ही बना होगा। बच्ची है अभी, अगर तुम इससे नाराज होगी तो वो सारी जिंदगी ना खुश रहेगी। तो क्या उसकी मर्जी पर छोड़ दूं? इतनी अकल है उसमें? अच्छा बाबा छोड़ दो ना उसका पीछा, मैं समझा लूंगा उसको खुद ही। नहीं अब्बा कोई फायदा नहीं, वो पहले ही कह चुकी हैं कुछ भी हो जाए कर वो ये शादी हरगिज़ नहीं करेंगी। तो क्या शहजादा गुलफाम नहीं मिलेगा तो सारी जिंदगी हमारे सरों पर बैठी रहेगी, बोझ रहेगी हम पर? जाहरा मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि बेटियों को बोझ मत कहा करो। अरे अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा। कितना करें और इंतजार? अच्छा ना चलो मेरे लिए भी चाय लेकर आओ। हद हो गई है भाई। बाजवा ये कहाँ ले आए हो मुझे? भाई एड्रेस तो सही से पता है ना? मामा सारा ने जो एड्रेस दिया था मैंने अंकल को दे दिया। बेटा तुमने वो मिठाई और वो रख लिए थे फ्रूट? जी अंकल वो मैंने रखवा दिया गाड़ी में। ओहो फ्रूट की पड़ी है,
मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ रहती है रबाब? हाँ तो हो, क्या हो क्या? रुकना एक सेकंड, रुकना रुकना रुकना। हाँ सही है, यहाँ से भी राइट, राइट ले लो, बिल्कुल वो सामने वाला है। यहाँ आना जरूरी है क्या? घर नहीं जा सकते वापस? बस वो हम लोग आ गए। क्या? तुम्हें कैसे पता? यहाँ रहती है रबा? हाँ जरा सा आगे, बस ये दरवाजा है, यहाँ साइड पे लगा लो, यही है। आ जाओ भाई, आ जाओ। यहाँ इस घर में रबा? तोबा तोबा, नहीं नहीं, मैं हरगिज़ नहीं यहाँ रुकूंगी। इस तरह दरवाजे से आके वापस जाना अच्छा नहीं लगता, प्लीज आ जाओ। दरवाजा बंद करो, अंदर अंदर बैठो। बस बंद करो दरवाजा, बंद करो, कोई नहीं जाएगा। बाबा प्लीज, जुबैदा बेगम अच्छा नहीं लग रहा, आ जाओ ना प्लीज, पता चल जाएगा उन्हें। तो तुम जाओ ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मामा भाई इतने खुश थे कि आप वो बाहर नहीं भेजो भाई को, मैं उसकी खुशी की खातिर अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। ओफो बाबा, इसमें इज्जत वाली कौन सी बात है? ओहो बंद करो दरवाजा, एक सोसाइटी है उसमें रहते हैं आप, मेरी नाक कट जाएगी, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। बस बस मैं नहीं उतरूंगी। कोई नहीं हंसेगा, ना ही आपके नाम मकाम को कुछ फर्क पड़ने वाला है, आप प्लीज आ जाओ। तुम जाना चाहते हो ना, तुम चले जाओ, मैं नहीं उतरूंगी, मैंने कह दिया मैं नहीं। बस चलो ड्राइवर, चलो। एक बार फिर सोच लो, तलहा की खुशी का मामला है, प्लीज। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, तोबा तोबा, ये कोई मोहल्ला है? कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे? चलो वापस चलो। तुम्हारी खुशकिस्मती तो दरवाजे से आकर लौट गई रबाब, तुम्हें इससे क्या मिला? अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं जिनका मुंह मीठा करा के भेजा था? तो मम, मैंने तो नहीं कहा था ना मुंह मीठा कराने का, बस मुझे उस काले से शादी नहीं करनी। इंसान की शक्ल अल्लाह ने बनाई होती है लड़की, उस पर एतराज करोगी ना तो मुंह की खाओगी तुम। अल्लाह ने अच्छी शक्ल क्या दे दी, दिमाग आसमान पर पहुंच गया तुम्हारा। तुम्हारी भी होती ना ये काली और मामूली शक्ल तो मैं देखती हूँ कैसे लोग आते रिश्ता देखते और ठुकरा कर चले जाते तुम्हें। खुदा की कसम अम्मा, अगर मैं काली होती ना मैं किसी काले कब्बे से शादी करती। मनहूस बेशरम, अरे क्या कर रही हो, बिल्कुल ही बावली हो गई हो। जवान बेटी पे हाथ उठाना भी बहुत शर्म की बात है। मेरा बच्चा। अरे चंदापा, ऐसी औलाद का तो गला दबा देना चाहिए जो माँ बाप के सामने इस तरह जबान चलाती है। तो अम्मा दबा दो ना गला, उस काले से शादी करने से तो जब मारा मैं मर जाऊँ। ना बेटा ऐसे नहीं कह, जहाँ आ रहा फिजूल बातें मत करो। और सुनो, इस्लाम में शरा शरीयत ने भी इजाजत दी है लड़की की मर्जी मालूम करने। अरे हमारा तुम्हारा जमाना नहीं कि जहाँ माँ बाप ने पसंद की और शादी कर ली। और एक बात बताओ, लड़की को सूरत नहीं भाएगी तो वो दिल कैसे लुभाएगी? कमा कर जाओ, जाके मुँह हाथ धो, ठंडा पानी पियो। हमारी अकल तो इस लड़की ने ठिकाने लगा दिए। अरे जाओ भी, देख अब मैं कुछ कहूंगी तो तू कहेगी बिट्टो आप की तरह। मेरी जान सब ठीक हो जाएगा, तुम इत्मीनान रखो। से प्यार करती मुझसे नहीं करती। नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, माँ हर एक से प्यार करती। और देखो ये समझती नहीं है, बावली है, आजकल के जमाने में ऐसी शादियाँ थोड़ी होती। और जैसी बच्ची को लंगूर के पहलू में बिठा देगी ले जाके। कम बाजवा, मैं और बहस नहीं सुनना चाहती, तुम्हारे लेक्चर सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। तुम अपनी औलाद को खो दोगी जुबैदा बेगम। देखो जुबैदा, तुम्हें इस घर में पैसा तो नहीं चाहिए ना यार, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक अच्छी बहू चाहिए, तुम्हें अपनी औलाद की खुशियां चाहिए। मुझे जमाने को भी शक्ल भी दिखानी है। और औलाद को? औलाद को सिर्फ गुस्सा दिखाना है, सिर्फ नफरत दिखानी है। बकवास मत करो बाजवा, बस बकवास नहीं कर रहा हूं यार। देखो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने औलाद को मां बाप से नफरत करते देखा है। धोखा हुआ होगा तुम्हें,
नहीं, देखो औलाद कभी उन माँ बाप से मोहब्बत नहीं कर सकती जो अपने इर्द गिर्द अना की एक मोटी ऊंची दीवार खड़ी कर दे। और तुम जानती हो ये दीवार जितनी ऊंची जितनी मोटी हो लोग आपसे उतना ही दूर हो जाते हैं। मुझे पता है तुम्हें लोगों की कोई खास फिक्र नहीं है, तुम्हें तो बस फिक्र है अपने उस बुत की जो तुमने अपने खौल में तराश रखा, अपने आप को दीवारों में कैद कर लिया है तुमने यार खामखा। लेकिन चलो इन दीवारों में कोई एक रोशन तो रखो ना, कम से कम तुम्हें पता तो चल सके, तुम देख तो सको कि तुम्हारे पास कोई रहा है। ये सब चले गए। नूरी इधर आओ, ये सब कुछ उठाओ और घर से बाहर फेंक दो, नहीं चाहिए सब कुछ, कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए जवाब दे ना, अब क्या करेंगे? चिराज भाई और भाभी इंतजार कर रहे होंगे, इतना खुश होकर गए थे वो हमारे घर से, अब इनकार सुनेंगे तो पता नहीं क्या हालत होगी उनकी। तुम किस किस्म की माँ हो जवाहर, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। अरे तुम्हें उन लोगों की फिक्र है जिनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, अपनी बेटी की खुशी अजीज नहीं है तुम्हें? आपकी बेटी खेलने को चांद मांग रही है, कहां से लाकर देंगे आप उसे? कौन तोड़ कर लाएगा तारे आसमान से उसके लिए? ना वो चांद मांग रही है और ना वो तारे, एक जरा सी ख्वाहिश है उसकी, और ये तमन्ना तो हर लड़की की होती है, तुम्हारी भी होगी। याद है शादी पर तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा था कि जोड़ी वो जो चलते हुए अच्छी लगे। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरी बेटी को काले रंग से नफरत है तो मैं शिराजी साहब को कभी भी आने का ना कहता। क्या हो गया सिद्दीकी आपको? गोरी चमड़ी वाला अगर दिल का काला हो तो? अरे दिल में कोई झांक कर नहीं देखता, सूरत सब देखते हैं। सिद्दीकी अपनी बेटी को समझाने की बजाय उल्टा मुझे दलीलें दे रहे हैं आप, उसकी तरफदारी कर रहे हैं? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, जो तुम्हें समझाना है ना तुम्हें समझा रहा हूँ। और तुम भी अपने बच्चों का ख्याल रखो, उनके बारे में सोचो, और बेटी को जो समझाना होगा ना मैं उसको खुद ही समझा लूंगा, तुम उसको कुछ मत कहना। समझा कर देख ले, कभी नहीं समझेगी, कभी नहीं मानेगी आपकी बात। अच्छा ना देख लूंगा, खाम खामे सारी परेशानियां मेरे लिए रह गई। कौन से सफे पे था? एक ऐसी लड़की की खाल जो अभी तुम्हारी जिंदगी में आई भी नहीं, तुम नफरत करोगे मुझसे, अपनी माँ से? जिंदगी की अजत सह सह कर मैंने तुम्हें पाला, रात रात भर जाकर मैंने तुम्हें परवान चढ़ाया, और तुम नफरत करोगे मुझसे? बोलते क्यों नहीं, जवाब दो ना, करोगे नफरत मुझसे?
नूरी जी बेगम साहिबा, रिजा से कहो आके नाश्ता कर ले। बेगम साहिबा वो तो कॉलेज चली गई है। नाश्ता किए बगैर? नहीं बेगम साहिबा, सिर्फ चाय पी के गई हूँ। उठा लो ये सब कुछ। बेगम साहिबा आप तो नाश्ता कर ले। कहा ना उठा लो, नहीं करूंगी नाश्ता। रबाब जी। चंदा खाला देखती बेटा, चोट तो नहीं लगी? नहीं ठीक है। जोहा नाश्ता अच्छी तरह नहीं करती, तुम इसे टिफिन में कुछ खाने को दे दिया करो। आपा इसे टिफिन नहीं कहते, लंच बॉक्स कहते हैं। हाँ पता है हमें, उर्दू में उसे टिफिन ही कहते हैं। आप बेफिक्र हैं, वो कैंटीन में कुछ ना कुछ खा ही लेती होगी। रबाब बेटा तुम कह रही थी कि तुम्हें किताबें चाहिए कुछ है? मैं उर्दू बाजार की तरफ जा रहा हूँ, चलाओ तुम्हें दिलवा दूँ। हाँ अम्मा मैं बस दो मिनट में तैयार होकर आई। जरूरत नहीं जाने की, घर के काम काज समेटो। और जो पहले आपने ला कर दी है ना किताबें, जो ढेर लगा है घर में किताबों का, वो पढ़कर पहले मोहतरमा आलम फाजिल बन जाए, फिर और दिला दीजिएगा। जहारा ये तुम हर बात पे एतराज क्यों करने लगी हो? सैर सपाटे करने की बजाय घर के कामों में दिलचस्पी ले। अरे वो सैर सपाटा करने तो नहीं जा रही, मेरे साथ जा रही है भाई। जाओ तुम तैयार हो जाके। हाँ ये आप समेट लीजिएगा। रबाब तो चंदा पर देख लिया मैंने, बावर्ची खाना समेटना है वो मैं समेटूंगी। खाना माशाल्लाह इतना सारा पक्का रखा है, शामी कबाब भी खासे पड़े हुए हैं। मैं जरा हाथ धोऊं। हाथ धोऊं? ये खाम खाम मेरे साथ बहस बांधते हैं। ना बन्नो वो बहस नहीं बांधता, तुम जिद बहस बांधती हो उसे। एक बात खत्म हो गई, भूल जाओ उसे। शिराजी को मना करना तुम्हारा नहीं सिद्दीकी का था। और मुझे पानदान उठा दो। इतनी देर हर काम में बेटियां भी तुम्हारी ऊपर गई हैं। बाजवा का? जी मैडम कॉल आई थी कि नहीं आऊंगा। नहीं आएंगे या आज नहीं आएंगे? जी आज नहीं आएंगे। तो जो पूछा जाता है उसका सही सही जवाब दिया करो। बैठ जाओ। कम ऑन तलहा, फोन उठा लो। हेलो कैन आई टॉक टू तलहा प्लीज? मैं उनकी वालदा बोल रही हूँ। हाँ हाँ सेल फोन पे ट्राई किया, उठा ही नहीं रहे। चलिए कोई बात, थैंक यू, मैसेज दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ क्या बनाया? ठीक है भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता। मामा इस मामले में इतनी सख्त होंगी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। वो दरवाजे से ही वापस लौट आए हैं। बाजवा अंकल भी नाराज हो गए हैं। आई थिंक आपको बाजवा अंकल से बात करनी चाहिए। तलहा तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है बेटा, बस एक बार जो सोच लेती है ना उसने वही करना होता है। और तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने उसे समझाया नहीं होगा? बहुत समझाया मियां, इतना समझाया कि झगड़ा करना पड़ गया मुझे, लेकिन वो किसी की सुने तो ना। बस अब एक ही हल है इसका, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। इसका मतलब है कि वो जो चाहे करे हमारे साथ, हम उनकी हर जिद पर कुर्बान हो जाए? नहीं तलहा मेरा ये मतलब नहीं है। देखो अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे ये कहते हुए, लेकिन उससे बात करना छोड़ दो, तुम भी और लीजा भी। उसने अपने आप को तो अपनी जिद की भेंट चढ़ाया है, तुम दोनों की जिंदगी खराब करे मैं ये नहीं चाहूंगा। ठीक है अंकल, अब मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने पहले भी उनसे कभी कुछ नहीं मांगा।
ध्यान है ममता, शी इज जस्ट अ बिजनेस वुमन, जिनकी कोई भी डील आज तक रिजेक्ट नहीं हुई, उनके एक इशारे पर हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स उनके सामने पड़े होते हैं। दुनिया उन्हें एक कामयाब औरत समझती है और बस। तुम ठीक कहते हो, बस उसे यही घमंड है। वो अपनी औलाद की जिंदगी के फैसले भी ऐसे ही करना चाहती है जैसे कोई ठेका लेना चाह रही हो, कोई टेंडर भरना चाह रही हो, जिसमें कोटेशंस भी उसकी मर्जी की होनी चाहिए। इसलिए तो वो कभी एक कामयाब बीवी नहीं बन सकी, ना ही कामयाब मां। आप उनसे पूछेंगे ना तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा सवाए खामोशी के। अच्छा बेटा चलो ये भी पूछ कर देख लेंगे। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप भी हूं और तुम्हारा दोस्त भी हूं। ठीक है कि मां बाप और औलाद में एक लिहाज होता है और वो होना भी चाहिए, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये लिहाज की दीवारें इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि मैं दूसरी तरफ से अपनी औलाद को देख भी ना सकूं। जी अबू, अबू अगर हमारी कोई तमन्ना है या कोई ख्वाहिश है तो हम अपने माँ बाप से ही कहेंगे ना। हाँ बेटा, जाहिर है औलाद अपने माँ बाप से तवक्को रखती है, उम्मीद बांधती है, और उनकी ये उम्मीद माँ बाप ही पूरा करते हैं। अच्छा चल, तू मुझे बता तू क्या चाहती है। मेरी को इतनी बड़ी तमन्ना नहीं अबू, मैंने कभी इतने बड़े ख्वाब देखे ही नहीं। ना मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, ना मुझे महलों में रहने का शौक है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है वो ऐसा तो हो जिसे देख के मुझे खुशी मिले, जिसके साथ रहना मुझे अच्छा लगे। क्या ये बहुत बड़ी तमन्ना है अबू? आप खुद बताएं, क्या ये तमन्ना मैं आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? मेरी ख्वाहिशात का एहसास आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ बेटा, नहीं मेरी जान, हम करेंगे तेरी ये ख्वाहिश पूरी इंशाल्लाह ताला। अच्छा चल जा, मेरे लिए एक जबरदस्त सी चाय बना के ले गया। I love you. Thank you, Abu. सुनो, अपनी अम्मा से अब कोई बहस नहीं करनी तुमने। क्या पागल हूँ मैं? अब कुछ नहीं होगा। जीती रहे, खुश रहे, अल्लाह तुम्हें नेक नसीब करे। अजनबी माँ, बहुत मासूम थे हम भी, हमें अब याद आता है कि हम एक अजनबी को उम्र की तारीक राहों का सहारा मान बैठे थे, कि उसके चांद चेहरे को हम अपने वक्त का रोशन सितारा मान बैठे थे। हमें मालूम ही कब था कि दश्ते जिंदगानी में सहारे छूट जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है नजर जिन पर ठहरती है वो तारे टूट जाते हैं। बहुत मासूम थे हम भी, हमें मालूम ही कब था। तला मुझे ब्लैकमेल करेगा, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। मेरा अपना बेटा, वो चाहता है कि मैं उसकी उंगलियों पे नाचूं, मुझे अपनी उंगलियों पे नचाएगा मेरा अपना बेटा। तुम्हारे बाप के मरने के बाद क्या नहीं किया मैंने, किस तरह पाला है, किस तरह बड़ा किया, ये मैं ही जानती हूँ।
क्या नहीं किया तुम दोनों के लिए? किस चीज की कमी बताओ? किसी चीज की कमी की मैंने? नहीं मामा, मामा प्लीज आप रह जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज मामा छोड़ो मुझे, बस हाथ मत लगाना प्लीज। मैं आज जिंदा हूँ ना, जब मैं मर जाऊंगी ना तभी एहसास होगा मैंने क्या किया है। मामा डोंट से दैट प्लीज। हटो हटो, बस बहुत हो गया। I'm sorry शेराजी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे सदीक साहब, इतने शर्मिंदा होने की क्या बात है? आपकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई है। अरे मैं भी तो तीन बेटियों का बाप हूँ, और आपकी बातें जो है ना, मुझे बेटियों की शादी करते हुए बड़े काम आएंगे। और हम भी तो माँ बाप हैं, हर मामले में अपनी मर्जी करते हैं और समझते हैं कि औलाद हमारी जागीर है। आप बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन आप जैसे घराने में बच्चों का रिश्ता ना होना तो मुझे बड़ा अफसोस है। और दुआ करो कि आप जैसा कोई घर मिल जाए। बहुत शुक्रिया शेराजी साहब, मैं बहुत परेशान हो रहा था कि आप कहीं बुरा ना मना जाए। बस ये सब किस्मत का खेल है, बस दुआ करो कि आप जैसे लोग मिल जाएं। अरे शेराजी साहब, इंशाल्लाह ताला आपको हमसे भी ज्यादा अच्छे लोग मिले। बस दुआ करते रहना। बहुत शुक्रिया शेराजी साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बोल चूड़िया बोल कंगना, ले में हो गए तेरी सजना। बहुत खुश लग रही हैं आप। बुरी लग गई मेरी खुशी क्या? नहीं, मुझे क्यों बुरी लगी? वैसे आप एक बात तो बताएं, अगर आपके लिए किसी गोरे चिट्टे लड़के का रिश्ता ना आया तो क्या इंतजार करूंगी? तब भी ना आया तो और इंतजार करूंगी, करती रहूंगी करती रहूंगी करती रहूंगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? ओफो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे आप जो नॉवेल्स पढ़ती हैं ना, मैंने उसमें देखा है हीरोइन को जब हीरो से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसकी मोहब्बत में कुएं में छलांग मारने के लिए तैयार हो जाती है। कहीं आपका भी तो ऐसा इरादा नहीं? पता है जो, हम ना शहर में रहते और शहर में कुएं नहीं होते। हीरो तो होते हैं ना? हाँ, तो जब मुझे मेरा हीरो मिलेगा ना तब मैं उससे मोहब्बत भी कर लूंगी। डन, कुआ मैं खुदवा दूंगी। उड़ा लो तो मेरा मजाक, तुम्हारी बारी आएगी ना फिर देखूंगी। मेरी बारी इतनी जल्दी नहीं आने वाली, मुझे अभी मास्टर्स करना है। आपकी तरह ग्रेजुएशन करके घर पे नहीं बैठूंगी मैं, वैसे भी मुझे जल्दी नहीं। मुझे तो बहुत जल्दी है ना, बहुत भूख लग रही है। चंदा खाला कभी भी आ जाएंगी, जाके दस्तरखान बिछाओ। चंदा खालों को अम्मा ने मुख्तार चचा के यहाँ भेज दिया ताकि रात को खुल के अम्मू से जंग कर सकें। वैसे अम्मा इस महाज पर अकेली रह जाएंगी। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, ले में हो गई तेरी साजना। नहीं, मेरी चूड़ियाँ नहीं छेड़ना, तोड़ दी थी पहले भी तुमने, हड़प। मुख्तार अहमद भैया, उस रिश्ते को तो मैंने चलता कर दिया। रही हमारी रबाब की मंतक कि उन्हें अंग्रेज चाहिए, तो भैया ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। जो गोरे पैदा भी होते हैं तो जवानी आने तक काले हो जाते हैं, क्योंकि सूरज जो सवा नेजे पे रहता है यहाँ। अरे चंदा, ये तो कराची का मौसम ही ऐसा है। अब देखो ना, पेशावर और पंजाब के लड़के अच्छे खासे गोरे होते हैं। ना भैया, सिद्दीकी बाहर वाले लड़के से शादी नहीं करने के, और उन बीबी को चाहिए गोरा। तो ना गोरा लड़का मिलेगा, ना शादी होगी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। चंदा खाला, मुझे देखो ना, मैं कितना गोरा हूँ, ये देखो कितना गोरा। अच्छा देख लिया मैंने, अगर तू रोज नहा लिया करे ना तो और भी गोरा हो जाएगा। पानी आए तो नहाऊं, तीन दिन पहले तो नहाया था मैं, और तुम देखो पानी ना पानी हो मैं कितना अच्छा खाना पकाता हूँ। आज तुम खाना आलू गोभी ऐसी आला बनाई है मैंने। पहले तो ये बात सुन ले कि अगर तू तीन दिन में चार दफा नहा लेना तो बहुत अच्छा हो, और ये आलू गोभी खाना छोड़ दे कमबख्त, ये मोटापा तेरा छट जाएगा।
देखा, मैं नहीं कहता था आलू खाना छोड़ दे। चंदा आपा, ये दिन में 6-6 मर्तबा आलू तल के खाता है। या ला, तो बस हो चुकी रबाब से इसकी शादी। चंदा खाला, पिरोमिस, आइंदा से मैं आलू नहीं खाऊंगा और मैं ना वो गोरा करने वाली क्रीम भी लगा लूंगा और बस तू देख लेना फिर। हाँ अच्छा, बस बावलगत की बातें मत करो, हड़बोंग मचाने वाले। और देख, मैं मौका महल दे के खुद बात करूंगी। अच्छा चंदा आपा, अब पप्पू का मामला मैंने आप पे छोड़ दिया। अच्छा चंदा खाला, आज से तुम अपने आप को लड़के वाला समझो और यही यही रहो तुम्हारा दिल जाए तो। ऐ तेरे मुंह में की शक्कर। ठीक है ना लड़के? और रंग गोरा करने की वो भी तो होती है, बेसन भी लगाऊं मैं? बेसन क्या क्या लगाएगा? जो भी है लगा लूंगा, मेरा क्या जाएगा? चावल बनाना है मेरे को अभी। अरे चावल भी छोड़ दे मेरे ख्याल में तो। चाय? थैंक यू। तुम खामखा परेशान हो रही थी, आज हुई थी मेरी शेराजी साहब से बात। उनको जब मैंने बताया तो उनको तो इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उन्हें दुख क्यों होगा? उनका लड़का है, लड़की नहीं। आजकल लड़कियों के रिश्ते के लिए काल पड़ा है, लड़कों के नहीं। उनका लड़का है, बरसरे रोजगार है, 10 लड़कियां मिल जाएंगी उसे। इधर आओ, इधर बैठ। क्या हो गया तुम्हें जहां रहा? तुम इतनी चिड़चिड़ी सी क्यों हो गई हो? कहां गया तुम्हारा वो धीमापन, वो मिठास, वो प्यार, वो मोहब्बत? तुम बिल्कुल चंदा खाला जैसी हो गई। तो देखिए, मेरा दिल बहुत जला हुआ है, मुझसे ऐसी बातें मत करें। किससे करो फिर बात? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस बात का दुख है ना कि हमारी बेटी का रिश्ता शहराज साहब के बेटे से नहीं हुआ? तो और क्या, इतना अच्छा घराना, इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? और तुम्हारा क्या ख्याल है कि पूरी दुनिया में सिर्फ शहराज साहब का ही खानदान अच्छा है? होंगे, लेकिन सारे अच्छे घराने आपकी बेटी के इंतजार में नहीं हो सकते। खैर छोड़े, आप नहीं समझेंगे इन बातों। चाय पिए आप, ठंडी हो रही है। चाय तो फिर भी गर्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा मिजाज कैसे ठंडा होगा? तुम्हारा क्या ख्याल है जहां रहा? मुझे अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उसका रिश्ता किसी अच्छी जगह पर हो, लेकिन मैं मुतमईन हूं इसलिए कि मुझे अल्लाह पे भरोसा है। और अगर तुम्हारा भरोसा अल्लाह से उठ गया है तो ये कुफ्र है। तुम्हारा रवैया रबाब के साथ देखकर मुझे बहुत दुख होता है। उस बच्ची का तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। उसके साथ प्यार से, मोहब्बत से बात किया करो। मैं मानती हूं सिद्दीकी, मुझे एहसास है इस बात का कि मेरी तबीयत में बहुत झुंझलाहट आ गई है। और ठीक कहते हैं आप, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। देखा, अल्लाह याद आ गया ना, एक बात याद रखना, रबाब की जिंदगी में जो भी दुख सुख अल्लाह ताला ने लिख दिए हैं, वो सब उसको उठाने होंगे। चाहे हम कुछ भी कर लें। हाँ, वाकई उसकी किस्मत में क्या लिखा है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। लाइए मैं आपकी चाय गर्म करके। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं जरा ठंडी पीता हूँ, ज्यादा गर्म चाय अच्छी नहीं होती।
यकीनन आपकी हीरोइन गिर गई होगी, है ना नॉवेल में? नहीं नहीं, किनारे पे लेटी पड़ी थी ना, बस अंदाजा नहीं हुआ, उठाओ तो सही। उठा रही हूँ। हाय, अब आप ये क्यों बताएंगी कि बिचारी आपकी हीरोइन गिर गई? ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें एक काम कहा था, हुआ या नहीं? हाँ हाँ, जासूसी का कहा था। हालात बिल्कुल ठीक है, अम्मा ने हथियार डाल दिया, गोया आप और अब्बा की जीत हो गई। इस मौके पे तुम एक अच्छी सी चाय पिलाओगी। मैं? हाँ। नहीं भाई, मुझे पढ़ना है। बकवास बंद करो, मैं आप पीऊं तुम्हारी। अच्छा, नाराज ना हो, ला रही हूं। कैसे गिर गई मैं? इतनी जोर की लगी है, अब छेड़ती रहेगी। जी बाजवा, फौरन मेरे घर पहुंचो। क्यों जी, आपकी तरफ कोई तूफान आ रहा है? हाँ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरी तो कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है ज़ुबैदा बेगम। तूफान तो मुझ पे बहुत से आगे गुजरे हैं, मैंने सह लिया, आप भी सह लीजिए। उफ़, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती। तुम यहाँ आ रहे हो या नहीं? माफ कीजिएगा, मैं तो आपकी तरफ आ ही नहीं रहा। क्या तुम मुझे इनकार कर रहे हो? जी क्या बात है ज़ुबैदा बेगम? क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ रहे हो? क्या बाकी लोग आपका साथ छोड़ गए? मैं तो खैर सारी जिंदगी आपका साथ नहीं छोड़ सकता, आप जानती हैं, ये मेरी कमजोरी है। लेकिन मेरा तुमसे मिलने को दिल नहीं जा रहा। देखो, मोहब्बत करने वालों से कुछ तो आस होती है ना, मगर तुम्हारे तो सारे ही जज्बे पथरा चुके हैं। तुम किसी से मिलो या ना मिलो, उससे क्या फर्क पड़ता है ज़ुबैदा? मेरा बेटा है तलहा, अकलौता बेटा है मेरा। हम आपकी बेटी रबाब के लिए उसका रिश्ता लेकर आए। वापी, मैं आपको क्या बताऊं, आपके तो ऐश हो गए। इतने बड़े घराने के लोग हैं, बहुत अमीर हैं। वैसे माफ कीजिएगा, इतनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी वो। मैं तो हैरान हूं, तलहा ने इस लड़की की खातिर मुझे मां मानने को इनकार कर दिया। मैं तो समझी थी पाकिस्तान की लेडी डायना होगी। माफ कीजिएगा, चेहरे पर गवारपन था। तुम मत बताओ ना, ना बनो दादी अम्मा। और वैसे भी मैं अपने घर की शिकायत ना तुम लोगों के घर नहीं लेकर आऊंगी। मिसेस वकार, आपने हमें बहुत इज्जत बख्शी है जी। बेटी वालों का ये बड़ा अरमान होता है कि उनकी बेटी किसी अच्छे घर में चली जाए।